रहीम, डियर स्टूडेंट, डियर ऑडियंस, वंस अगेन मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री टेक्निक यूज एंड सेल बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 टेक्निक को ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल में इसी प्लेलिस्ट में अपने टॉपिक देख सकते हो। तो शुरू करता हूं। स्पेक्ट्रोपोटोमीटर में ये 3 अल्फाज से बना हुआ एक टेक्निक है। सबसे पहले इन अल्फाज की अलग अलग मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम, पोटो का मतलब है ग्रीक वर्ड है लाइट को कहते हैं, मीटर कहते हैं मेजरमेंट को, नापने को। यानी जब आप लाइट के जरिए किसी सॉल्यूशन यानी सेल के अंदर कोई भी सॉल्यूट लाइट इंटेंसिटी को जज़्ब करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उसके कंसंट्रेशन को आप मालूम करते हो कि फलाना मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, मिसाल के तौर पर डीएनए है, मिसाल के तौर पर आरएनए है, ये फलाना आरएनए मॉलिक्यूल इतने अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व करके इसकी इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन इतनी होगी, तो इस प्रोसेस, इस टेक्निक को फिर हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। याद रखिए कि यहां पर लाइट में वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के जरिए हम इसको क्लियर कट मालूम करते हैं, ठीक है। तो जी, अब स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री इट इज ए टेक्निक थ्रू विच लाइट इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व टू द सॉल्यूट या टू चार्ज मॉलिक्यूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। 1940 में आर्नल्ड ओ बिगमैन ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। टेक्निक में जाने से पहले अपनी रूटीन के मुताबिक आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आप उस फंक्शनल ग्रुप को मालूम करें तो आपको उस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत ज्यादा पता चलेगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए स्पेक्ट्रोपोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, या ये अल्कोहल ग्रुप है, या ये कीटोन ग्रुप है, या ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के। और इसके अलावा प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करना, प्रोटीन के खसूसियात को कि ये कौन सा प्रोटीन है, इसकी क्या क्या खसूसियात है, और इसके अलावा इम्प्यूरिटीज और मिकदार को मालूम करने के लिए भी स्पेक्ट्रोपोटोमीटर सल्यूट के अंदर जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, जो मिकदार उसका होता है किसी सेल के अंदर, ये भी इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन का कितना मिकदार है, ये भी इसी टेक्निक के जरिए हम मालूम करते हैं। इसके अलावा किसी सेल के अंदर डीएनए कितना है, कंसंट्रेशन उसका कितना है, मिकदार कितना है, आरएनए कितना है, प्रोटीन कितना है, ये भी इसी टेक्निक के जरिए। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में जितने बायोकेमिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इन सब के कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को भी इसी टेक्निक के जरिए हम आसानी के साथ, फिजिक्स में भी इस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी इस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मटेरियल साइंस में और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में, इन तमाम ये स्पेक्ट्रोपोटोमीट्री का इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको ले जाने जा रहा हूं, अब मैं जी आपको ले जाने जा रहा हूं कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट है।
सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा है कंपोनेंट, ये देखो एक बल्ब है, ये वो लाइट सोर्स है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट के तीन सोर्स हैं हमारे साथ, साइंस में जब हम पढ़ते हैं, यानी तीन किस्म के रेज आपको मिलेंगे। एक अल्ट्रावायलेट रेज है जो कि 185 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 400 नैनोमीटर तक जिनकी वेवलेंथ होगी, उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और एक है विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, और एक है इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 700 से लेकर 1500 नैनोमीटर तक होती है। ये मैं हमारा टॉपिक के साथ कंसर्न नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिए। अब जी इसके कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले हमारे साथ एक लाइट सोर्स होना चाहिए। यहां पर मैंने आर्टिफिशियली एक बल्ब का बंदोबस्त किया है, ये बल्ब आपको नजर आ रहा है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, लेंस है। तीसरा इसका कंपोनेंट क्या है, प्रिज्म है जिसको हम मंशूर कहते हैं। चौथा इसके बाद स्लाइटर है। चौथा यानी जो वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है। अब यहां पर 400 से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होगी, जिस वेवलेंथ के जरिए आप सेलेक्ट करना चाहता है तो वो स्लाइटर उसको प्रिज्म से निकालेगा। और इसके बाद हमारे साथ वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर डीएनए या आरएनए या प्रोटीन पड़ा होगा, किसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आप लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर डिटेक्टर उसको इस्तेमाल उसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ इस पर अब लाइट इंटेंसिटी पास ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी हो रही है। आखिर में आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिखाया जाएगा, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि 1.20, तो ये डीएनए का कंसंट्रेशन है इस मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आपको अभी मैं इस्तेमाल का तरीका। सबसे पहले जब हम लाइट को करंट देकर ऑन कर देते हैं तो इससे रेज लेंस पर पड़ेंगे। आपको पता है कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस उस शीशे के टुकड़े को कहा जाता है जो श्वाओं को एक जगह पर मरकूज कर देता है, जमा देता है। तो यहां पर ये लेंस इस रेस को यहां पर प्रिज्म पर एक जगह फोकस कर देता है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर फोकस कर देता है। अब यहां से ये क्या करता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है ना। डिस्पर्सन इसकी शुरू हो जाती है। प्रिज्म का काम क्या है, डिस्पर्सन। इसी यानी जब लाइट डिस्पर्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर ये कंटिन्यूस डिस्पर्स होगा तो फिर हम इसको कहते हैं कंटिन्यूस। अगर ये लाइन डॉटेड की सूरत में होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। बहरहाल तो जी इस मंशूर पर लाइट पड़ने के बाद इसने इस लाइट को अपने वेवलेंथ के एतबार से इसको डिस्पर्स किया है। और आपको मैं बताता जाऊं, सबसे कम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या है, 700 नैनोमीटर है। याद रखिए कि इसमें आपको व्हाइट लाइट व्हाइट कलर नजर नहीं आएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ उस श्वारेस का कम होगी, ठीक है ना। जब कम होगी यानी 400 से भी कम होगा तो यहां पर आपको विजिबल लाइट में व्हाइट लाइट नजर नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद किसी एक वेवलेंथ किसी एक कलर को, मिसाल के तौर पर आपने वायलेट सेलेक्ट किया, आपने इंडिगो सेलेक्ट किया, आपने ब्लू सेलेक्ट किया, आपने ग्रीन सेलेक्ट किया, आपने येलो सेलेक्ट किया, आपने ऑरेंज सेलेक्ट किया, आपने रेड सेलेक्ट किया, किसी एक कलर को स्लाइडर स्लेटर के सिलेक्शन के बाद यानी वो वेवलेंथ के बेस पर सेलेक्ट करके आगे सस्पेंशन मटेरियल पर गुजारेगा। और जैसे ही ये लाइट डीएनए पर पड़ेगा तो डीएनए एक खास जितना डीएनए का मिकदार होगा वो उतना लाइट लाइट को ऑब्जर्व करेगा, और जितना लाइट वो ऑब्जर्व करेगा यहां पर डिजिटल डिस्प्ले में वो लाइट हमें शो होगा कि इस डीएनए इस सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल पड़ा है इसने इतना लाइट ऑब्जर्व किया है। अब इस टेक्निक के फायदा ये है, ठीक है ना, कि हमें ये बता देता है कि इस सस्पेंशन मटेरियल के अंदर जो डीएनए पड़ा है वो उसने इतना लाइट ऑब्जर्व किया और इसकी वजह से ये इतने मिकदार में मौजूद है, ठीक है ना। और यही इसका प्रिंसिपल है। बी आर एक साइंटिस्ट है
जिसने इस प्रश्न की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, सी एस का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, यानी जितना भी ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा उतना उसका मिकदार कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर कम उसने लाइट को ऑब्जर्व किया तो फिर उसका मिकदार क्या होगा, कम होगा। बहरहाल इस प्रोसेस का स्पेक्ट्रो, ये इस प्रोसेस का क्या है मैकेनिज्म है कि लाइट सो विजिबल लाइट से जाएगा, प्रिज्म पर पड़ेगा, प्रिज्म इसको डिस्पर्स करेगा, डिस्पर्शन के बाद सस्पेंशन मटेरियल पर गुजरेगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा कि गुजर गया है और आखिर में डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले का क्या मतलब है कि इस पर एक फिगर हिंसाले का होगा, उस पर वहां पर एक फिगर हमें नजर आएगा और हम कहेंगे कि इतना लाइट हमने इस पर गुजारा था, इतना इसने ऑब्जर्व किया, अब इसका ये मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर फलाना मॉलिक्यूल इतने मिकदार में है, वो कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा लाइट गया है, ज्यादा लाइट ऑब्जर्व हुआ है तो अकॉर्डिंग टू बियर वो क्या है, वो ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन है, अगर कम ऑब्जर्व हुआ है तो कम है। ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका डिफिनीशन था और ये इसका इंपॉर्टेंस था, इंतहाई आसान टॉपिक था। इसी टेक्निक के जरिए, इससे पहले टेक्निक में हमने इलेक्ट्रोपोरेसिस में अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट को करके सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, इसी में चार्ज मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को मालूम किया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई मॉलिक्यूल कितने मिकदार में है, उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और हर एक का मिकदार कितना है। अगर आप इस तरह की किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मिकदार को मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आखिर में मैं आपको वंस अगेन फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और आप समझते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा हमें हमारे सामने पेश किया है इस टॉपिक को, अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बेहतरीन मवाद अकॉर्डिंग टू कोर्स दे दूं, तो फिर आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो, इस चैनल में आपको दो चीजें मिलेंगे, एक एजुकेशन अपडेट, क्योंकि आप स्टूडेंट होंगे तो लाजमी तौर पर आपको एग्जाम के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से और फिर एजुकेशन में जो नित नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उस हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, गेस पेपर के हवाले से, इंशाल्लाह आपको इसी चैनल में बहुत मवाद मिलेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि बीइंग ए बायोलॉजिकल एक्सपर्ट, आपको मैं इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर एक दो टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा और अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में करके आपको एक्सप्लेन करूं। इसके साथ इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए, पढ़िए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज़।